किन्नरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवलों का सूखा मुखवास। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम आंवलों का सूखा मुखवास बनाते हैं। आंवले खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। आज हम नमक और हल्दी के पानी में भिगोकर रखे हुए आंवलों का मुखवास बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नमक और हल्दी के पानी में भिगोकर रखे हुए आंवलों में से मुखवास किस तरह से बनाया जाता है। आंवले में रहे कसीलेपन की वजह से हम आंवले ज्यादा नहीं खा पाते। इस तरह से आंवले खाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आज हम इस तरह से बनाए हुए आंवलों में से मुखवास बनाएंगे। 1 किलो आंवलों को हमने 2 से 3 दिन तक कांच की बोनी के अंदर नमक और हल्दी के पानी में भिगोकर रखा हुआ है। आंवलों का पानी हर रोज बदलकर नया पानी डाला हुआ है। मुखवास बनाने के लिए आंवलों में से पानी निकालकर आंवलों को सुखा लेंगे। इस तरह से आंवले नमक और हल्दी के पानी में भीग कर नरम हो गए हैं। आंवलों को हमने सुखाकर एक प्लेट के अंदर ले लिया है। आंवलों को लंबा और पतला काट लेंगे। आंवलों को हम जितना पतला काटेंगे उतने ही जल्दी से वो सूख कर तैयार होंगे। नमक और हल्दी के पानी में भीगने से आंवले काफी नरम हो गए हैं। आंवले नरम होने की वजह से आंवले की पेशियां और आंवले का बीज आसानी से साफ सुथरा निकल जाएगा। आंवले की पेशियां काटकर आंवलों को लंबा और पतला काट लेंगे। दोनों हाथों की मदद से आप आंवले को बीज से अलग कर सकते हो। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि आंवले अच्छे से नमक और हल्दी के पानी में पके हुए हो। सभी आंवले लंबी और पतली चिड़ियों में काटकर तैयार है। अब हम आंवलों के मुखवास में डालने का मसाला देखेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून नींबू के फूल लेंगे। 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक लेंगे। 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी और 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर लेंगे। अजवाइन और नींबू के फूल को खल दस्ते में डालकर बारीक कूट लेंगे। अजवाइन और नींबू के फूल को हमने कूट लिया है। नींबू के फूल आंवलों के मुखवास में प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। कटे हुए आंवलों को बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे। आंवलों की प्लेट में सारे मसाले डालकर हाथों से मिला लेंगे। आंवलों को ऊपर नीचे करके सारे मसाले से कवर कर लेंगे, जिससे मुखवास बन जाने पर एक एक आंवले में से मसालों का स्वाद आ सके। आंवलों में मसाला अच्छे से मिल जाए उस तरह से आंवलों को मिला लेंगे। आधे घंटे तक आंवलों को ढक कर रख लेंगे, जिससे आंवलों में मसाला अच्छे से बैठ जाए। मसालों को अच्छे से मिलाकर आंवलों को सूखने के लिए रखेंगे। आंवले सुखाने के लिए एक बड़ी सी प्लेट के अंदर प्लास्टिक की सीट के ऊपर आंवले रखेंगे। आंवलों को हमने सर्दियों की कड़ी धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा लिया है। प्लास्टिक की सीट रखने से स्टील की प्लेट के अंदर काले धब्बे नहीं पड़ेंगे। सूखे हुए आंवलों के अंदर काली मिर्च का पाउडर, काला नमक और पीसी हुई चीनी डालकर मिला लेंगे। चटपटा स्वादिष्ट सूखे आंवलों का मुखवास बनकर तैयार है। आंवले के मुखवास को किसी एयरटाइट बर्नी के अंदर भरकर 6 से 7 महीने तक रखा जा सकता है। खास तौर से दिवाली के मौके पर आंवले का मुखवास बना सकते हो। चटपटा आंवले का मुखवास बनकर तैयार है।
आशा है आंवले की मुखवास की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।